सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चारों ओर राख का अंबार, बीच बीच में तेजी से हो रहे धमाके और भूकंप के झटकों के बाद इधर उधर चारों ओर भागते लोग। यह नजारा फिल्मों में दिखाए जाने वाले पृथ्वी के अस्तित्व की समाप्ति वाले दृश्य के समान प्रतीत होता है, लेकिन यह नजारा पृथ्वी के अस्तित्व की समाप्ति का नहीं, बल्कि यह नजारा फिलीपींस में हुए एक ज्वालामुखी विस्फोट का है। आपको बता दें कि ताल ज्वालामुखी फिलीपींस देश के लुजोन द्वीप पर मौजूद एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये फिलीपींस के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में शुमार है, जिसमें अब तक 30 से भी ज्यादा विस्फोट हो चुके हैं। दशकों बाद फिलीपींस के ताल ज्वालामुखी ने दोबारा से आग उगलना शुरू किया है। वैसे तो ताल ज्वालामुखी को दुनिया के सबसे छोटे ज्वालामुखियों में शामिल किया जाता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब यह ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है, तब तब हजारों जिंदगियां इसकी भेंट चढ़ गई हैं। 1911 में इस ज्वालामुखी के फटने से 1300 से ज्यादा लोग मारे गए, वहीं 1965 में 190 से ज्यादा लोगों की इस ज्वालामुखी के चलते मौत हुई। इसके साथ ही इस ज्वालामुखी में 1960 से लेकर 1980 के दशक में भी कई विस्फोट हुए। मौजूदा वक्त में हुए इस ज्वालामुखी विस्फोट ने फिलीपींस के कई किलोमीटर के इलाके को अपने आगोश में ले लिया है। दरअसल ताल ज्वालामुखी के चारों ओर ताल झील फैली हुई है, ये क्रेटर झील है। देखा जाए तो ताल झील के कारण ताल ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा मुख्य जमीन पर तो नहीं आएगा, लेकिन इससे निकलने वाली राख आसमान के रास्ते यहां के लोगों पर गिर रही है। आलम यह है कि राख के संबार ने सूर्य की रोशनी को भी रोक रखा है। ज्वालामुखी से उठने वाली राख ने सड़कों, खेत, घरों और पेड़ पौधों इत्यादि सब कुछ को अपनी चपेट में ले लिया है। फिलीपींस प्रशासन अब इस आपदा से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। लोगों को इस द्वीप से छोड़कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। इलाकों में फैली राख और खराब हवा को देखते हुए सरकारी दफ्तर और स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य अधिकारियों को सांस की समस्या से जूझ रहे लोगों की देखभाल करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोगों को घर के अंदर रहने की चेतावनी भी जारी की गई है। इसके अलावा मनीला एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली कई फ्लाइट्स को उड़ान भरने से रोक दिया गया है। आज के अपने डीएनएस के इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे कि ज्वालामुखी क्या होता है। दरअसल ज्वालामुखी भूपटल पर मौजूद एक प्राकृतिक छेद या दरार होता है, जिसे पृथ्वी के अंदर का पिघला पदार्थ जैसे गैस, भाप और राख इत्यादि बाहर निकलते हैं। पृथ्वी के सतह के अंदर पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। यही मैग्मा जब पृथ्वी से बाहर आता है तो इसे लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट के वक्त पृथ्वी से यही मैग्मा बाहर निकलता है और इसके साथ भारी मात्रा में जलवाष्प, राख और अलग अलग तरह की गैसें बाहर निकलती हैं। आपको बता दें कि ज्वालामुखी तीन तरह के होते हैं। इनमें सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी शामिल हैं। सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में आपको बताएं तो सक्रिय ज्वालामुखी उन ज्वालामुखियों को कहा जाता है जिनमें समय समय पर विस्फोट होता रहता है। दुनिया के कुछ सक्रिय ज्वालामुखियों के बारे में आपको बताएं तो इनमें हवाई द्वीप का मौना लोआ, सिसली का एटना और स्ट्रोम्बोली, इटली का विसुवियस, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, अंडमान और निकोबार द्वीप का बैरन द्वीप ज्वालामुखी और फिलीपींस का ताल ज्वालामुखी इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा सुषुप्त ज्वालामुखी उन ज्वालामुखियों को कहा जाता है जो वर्षा से शांत पड़े होते हैं, लेकिन उनमें कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट होने की संभावना बनी रहती है। दुनिया के निष्क्रिय ज्वालामुखियों में इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, इंडोनेशिया का क्राकाटोआ और अंडमान और निकोबार का नारकोंडम जैसे ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी में शामिल हैं।
इसके अलावा ज्वालामुखी की आखिरी यानी मृत ज्वालामुखी की बात करें तो मृत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखियों को कहा जाता है जो कई युगों से शांत हैं और उनमें विस्फोट होना बंद हो गया है। दुनिया की कुछ मृत ज्वालामुखियों में म्यांमार का पोपा, अफ्रीका का किलिमंजारो, दक्षिण अमेरिका का चिमराजो, हवाई द्वीप का मोनांको और ईरान का कोह सुल्तान जैसे ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखियों में शुमार हैं। देखा जाए तो ज्वालामुखी विस्फोट से व्यापक पैमाने पर धन जन की व्यापक हानि होती है। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब पूरे के पूरे शहर ज्वालामुखी से होने वाले विस्फोट के कारण काल के गाल में समा गए हैं। उदाहरण के लिए इटली के दो मशहूर शहर पॉम्पिया और हर्क्यूलेनियम ज्वालामुखी विस्फोट से बर्बाद हो गए हैं। हालांकि ज्वालामुखी विस्फोट कई तरीके से लाभकारी भी होते हैं। इससे न केवल नवीन संरचनाओं का निर्माण होता है जैसे कि क्रेटर झील, लैकोलिथ और फैकोलिथ के अलावा कई खनिज समेत काली मिट्टी के स्रोत भी ज्वालामुखी के लावा होते हैं।